भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर लगातार सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सदस्यता अभियान में एमपी दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को कांग्रेस ने फर्जी बताया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है, सोशल मीडिया एक्स पर बकायदा पोस्ट करते हुए वीडियो जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का दावा कर रही है, आउटसोर्स कर्मचारियों को बीजेपी का सदस्य बनाया गया। सिंघार ने कहा है सार्वजनिक स्थानों को भाजपा कार्यालय में तब्दील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोग बीजेपी के सदस्य बने तो मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें लगातार सदस्यता अभियान का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसको लेकर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है। उमंग सिंघार ने बड़ा आरोप लगाया है, इसे फर्जी बताया है। बीजेपी 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का दावा कर रही है, आउटसोर्स कर्मचारियों को बीजेपी सदस्य बना रही है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस ने उसे फर्जी बताया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह आरोप लगाए हैं। तो आउटसोर्स कर्मचारियों को बीजेपी का सदस्य बनाया गया, सिंघार की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। अध्यक्ष जी मीडिया में कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे कांग्रेस की ओर से और झूठे वीडियो जारी किए जा रहे, क्रिएट किए जा रहे सदस्यता को लेके। भाजपा का झूठा फर्जी अभियान है सदस्यता को लेके। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मीडिया में इतनी सारी खबरें आ रही है तो क्या आप मीडिया को झूठ कहना चाहते हैं? क्या आप मीडिया की खबरों को खारिज करना चाहते हैं? अगर हर जिले में कहीं किसी कॉलेज में जाके जबरदस्ती अभियान किया जा रहा है, नगर निगम उज्जैन के अंदर वहां के कर्मचारी ने जनता का ना काम करते हुए बीजेपी की सदस्यता अभियान चला रहे, लोग काम हो नहीं पा रहे, तो क्या आप उसको भी झूठ साबित करेंगे? तो ऐसे कई जिलों में इस प्रकार से किया जा रहा है। अगर आपके पास कर्मचारी अधिकारी है उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाएं जो बीजेपी का काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास लगता कार्यकर्ता बचे नहीं, इसलिए आप कर्मचारी अधिकारियों से काम करा रहे। और रही बात सदस्य जुड़ना नहीं चाहते, इसलिए जबरदस्ती जाके स्कूलों में आप सदस्यता कराए जा रहे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन मीडिया की खबरों को